आप कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं अभी? वैसे आपने इससे पहले एक भी क्लास ली? तो आज का टॉपिक है हमारा एडवांस टेस्ट स्पेशल, ठीक है जी। और आप लोग कॉपी पेस्ट वगैरह यूज करते हैं, पेस्ट स्पेशल भी यूज करते हैं, तो उसमें हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये टॉपिक इसके बारे में ही है, ठीक है जी। अब देखेंगे मेरे पास जो है यहाँ पे छोटा सा डेटा है, जिसमें मेरे पास डेट है, कुछ टेक्स्ट है और फॉर एक नंबर है, कुछ सेल्स फिगर्स हैं जो कि फॉर्मूला से आ रहे हैं, ठीक है जी। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला इसमें मैं यूज करता हूँ, जैसे 10 से 90, 10 to 90 मैंने लिख रखा है, तो 10 से 90 के बीच की रैंडम वैल्यू हर रिफ्रेश पे अपने आप ये जनरेट करता है। कहीं भी टाइप करूंगा तो वो फिगर्स बदल जाया करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, जो हर रिफ्रेश पे चेंज होता है। अब बेसिकली देखने वाली बात क्या है इसमें, कि इसमें डबल डेसिमल पोजीशन है, यहाँ पे डेट फॉर्मेट है, यहाँ पे टेक्स्ट है। तो जब भी हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसके लिए? पेस्ट स्पेशल जब भी यूज करते हैं, वो करते हैं वैल्यूज के लिए मोस्टली, ठीक है जी, कि फॉर्मूला हट जाए और जो दिख रही है वैल्यू वो आ जाए, ठीक है जी। पर जब हम यूज करते हैं, तो मेरे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो क्या होता है, वैल्यूज में कोई भी फॉर्मेट इस पे आता नहीं। जैसे कि डेट का फॉर्मेट आपका गायब है, सेल्स में वो डबल डेसिमल पोजीशन थी वो नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपको वैल्यूज ही चाहिए, वैल्यूज ही करना है, और उसमें आप चाहते हैं कि इसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी ना बिगड़े, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आपके वैल्यूज है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स, ओके जी। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, आपका डेट का जो सीक्वेंस है नहीं बदलता, जो फॉर्मेट है, और जो नंबर में जो डेसिमल पोजीशन है वो भी वही की वही है, बट पीछे जो है कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है अपनी, ये जो आप होम टैब के अंदर ये नंबर टैब देख रही हैं, इस पर जब क्लिक करते हैं, जो कंट्रोल वन से आता है ना फॉर्मेट सेल का, तो ये जो होता है पहला जो टैब होता है नंबर, तो इसके अंदर जो होता है ये सब नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर आता है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, ये सब, ठीक है जी। तो एक और चीज देख रहे हैं हम, कि यहाँ पे हमें ये डेट को देखने के लिए कॉलम भी सेट करना पड़ा। मान लीजिए कि अब जैसे अब छोटा सा डेटा है, तो आप कॉलम वगैरह सेट करके तो कर देंगे 2-3 कॉलम में, पर जहाँ 50-60 कॉलम आप कॉपी करके ले जा रही है, तो अगले में उसकी क्या है, फॉर्मेटिंग बिगड़ जाती है, ठीक है जी। हर एक का कॉलम आपको सेट करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अभी मैंने क्या किया, वैल्यू किया, पेस्ट स्पेशल में क्या क्या सकते हैं हम, अलग अलग पार्ट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और हमारे पास एक ऑप्शन है कॉलम विड्थ का, तो कॉलम की जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो जाएगी, जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद होता है हमारे पास यहाँ पेस्ट स्पेशल में ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब कुछ कॉपी हो जाएगा, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, ठीक है जी। विड्थ इसमें नहीं होगी, विड्थ का अलग से ही होता है, ठीक है जी। देन इसमें क्या है कि हम लोग पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं, एक और ऑप्शन है इसमें ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम वैसे सोर्स थीम से कॉपी करता है, पर थीम्स हम इसमें यूज नहीं करते, थीम्स हम करते हैं पावर पॉइंट में, ये जो थीम्स होती हैं तो पावर पॉइंट में यूज करते हैं, तो थीम के अकॉर्डिंग उसे कॉपी करता है, तो ये एक्सेल में यूज नहीं करते, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। बाकी पेस्ट स्पेशल में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जैसे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट है, इसी तरह फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट है, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे आपका जो ऑल है इसका मतलब है नॉर्मल कॉपी पेस्ट, उसके बाद जो ये सेक्शन है जिसमें आप फॉर्मूला अलग से कर सकते हैं, वैल्यू अलग से कर सकते हैं, फॉर्मेट्स अलग से, कमेंट और वैलिडेशन अलग से कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, जैसे अब ये विदाउट फॉर्मेट कर देता हूँ, जनरल फॉर्मेट में है, अब पूरा का पूरा कलर वगैरह मुझे एक साथ करना है,
तो इसको कॉपी करेंगे मेन डेटा को, सोर्स डेटा को, और टारगेट डेटा पे जाके हम फॉर्मेट्स को कॉपी कर देंगे। तो क्या होगा कि उसके फॉर्मेट जो होंगे वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएंगे सेल कलर फॉन्ट कलर। जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो सेल फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है। नंबर फॉर्मेटिंग जब सिलेक्ट करते हैं तो खाली नंबर फॉर्मेट कॉपी करता है, और पूरा फॉर्मेट करते हैं तो वो हर चीज कॉपी कर देता है जो उससे फॉर्मेट से रिलेटेड हो। दूसरा क्या डिफिकल्टीज होती है हमारी कि जैसे हमने कमेंट डाला है, मान लीजिए यही कमेंट मुझे यहाँ पे यूज करना है किसी भी अपनी, हम लोग क्या करते हैं राइट क्लिक करते हैं, फिर एडिट कमेंट में जाते हैं, फिर यहाँ से कॉपी करते हैं, फिर यहाँ इंसर्ट कमेंट डाल के फिर करते हैं। पर इस केस में जब आपको खाली कमेंट ही करना हो तो आप कॉपी करके डायरेक्ट कॉपी करें, और पेस्ट स्पेशल में डायरेक्ट ये ऑप्शन है कमेंट का, ठीक है जी, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, इस पर डायरेक्ट कमेंट आ जाता है। दूसरा एक चीज यूज करते हैं हम लोग एक्सेल में वैलिडेशन, किसी सेल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि जो हमने वैल्यू दी है या डिसाइड किए किसी रूल के अकॉर्डिंग वही एंट्री होनी चाहिए। तो हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं कि एक लिस्ट है, इस लिस्ट से ही मैं वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, इसका आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, बाकी और भी कोई टेक्स्ट मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो ये लिस्ट से ही वैल्यू लेता। अब इसकी प्रोसेस क्या होता है लिस्ट की वैल्यू लगाने का, कि आप डेटा में जाते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन है, फिर यहाँ से कोई भी वो चूज करते हैं, जैसे मैंने लिस्ट किया और यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए कोई भी या कुछ भी लिख दूंगा तो वो एक लिस्ट में आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाती है। तो ये प्रोसेस आपको इसको लगाने में काफी टाइम लगता है। सेम वैलिडेशन आपने कहीं भी लगानी है तो आप बस कॉपी कीजिए उसको, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन पेस्ट कर दीजिए, सेम चीज आपकी हर जगह आ जाएगी जहां आप चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये वैलिडेशन भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेस्ट कॉपी पेस्ट के साथ कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, खाली कॉपी पेस्ट ही नहीं करते हम। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ फिगर है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जिसको मैंने कहा कि मुझे सेल्स की स्लिप से मैंने एंटर किया, हर एक पर्टिकुलर आदमी की सेल्स की स्लिप से एंट्री किया, बाद में मुझे कुछ स्लिप्स और मिलती है तो मैंने कहा कि ये फिगर्स और भी ऐड होनी है इसमें। तो सिंपल एडिशन के लिए क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला जानते हैं वो इस तरह से, मैं क्या करना चाहता हूँ इन फिगर को इसमें प्लस करना चाहता हूँ, तो एक फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। फिर इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा तो काम हो जाएगा। पर जब हमें पेस्ट ही करना है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट पेस्ट स्पेशल पे छोड़ देते हैं। आप इसको डायरेक्ट कॉपी करें, टारगेट डेटा को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड देन ऐड। तो ऐड का ऑपरेशन के अंदर जितने भी चीजें आती हैं ये हमारे कैलकुलेशन के यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे सेल्स 20 है और 12 इसमें जोड़ना है तो ये 42 हो जाएगा, 12 में यहाँ 32 जोड़ना है तो 44 हो जाएगा। तो जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है जी। अब मैं कहूँ कि खाली अब मुझे क्या करना है कि फिगर्स मेरे को ये पता पड़ा कि इस लिस्ट में गलती है और जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो ये हैं जो मैंने यहाँ सामने दी हूँ इनके। अब मुझे ऐड नहीं करना, अब मुझे रिप्लेस करना है, इसी तरह से डेटा है मान लीजिए मेरा, तो कॉपी पेस्ट हम क्यों नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि जब कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये जो है ब्लैंक वैल्यूज जो है तो यहाँ पे पेस्ट हो जाती है, ठीक है जी, इसलिए नहीं करते। अगर ब्लैंक वैल्यू पेस्ट ना हो तो अपना काम रिप्लेसमेंट वाला हो जाएगा बड़ा इजीली। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप पेस्ट स्पेशल में जाइए और यहां पे आपके पास है स्किप ब्लैंक्स, इसको टिक कर दीजिए। इसका मीनिंग है कि ये जो ब्लैंक सेल आपने कॉपी करी है, मतलब जो भी डेटा है उसमें जितनी भी ब्लैंक सेल कॉपी करी है वो आगे पेस्ट नहीं होंगे, ठीक है जी, स्किप ब्लैंक्स पे अगर क्लिक कर दो।
जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी रिप्लेसमेंट हो जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पे 32 की जगह 32 41 की जगह 41 और 42 की जगह 42, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं और थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, सेल्स है तो टारगेट भी होता है, टारगेट है तो अचीवमेंट भी होती है, तो अचीवमेंट की परसेंटेज निकालिए। मान लीजिए टारगेट मैंने 200 दे दिया, ठीक है जी, सेल्स फिगर सी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि सेल्स डिवाइडेड बाय टारगेट, इसको क्लिक करते और फिर इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से तो हम लोग अचीवमेंट परसेंटेज निकालते हैं। पर यही सेम काम हम कॉपी पेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे आप ये सेल्स वाली फिगर्स को इसके अंदर ले आए, क्योंकि हमें मैंने कहा कि कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो सेल्स की फिगर्स को मैं यहाँ पे ले आया, टारगेट को कॉपी किया, सोर्स डेटा को सिलेक्ट किया, देन मैं पेस्ट स्पेशल पे गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली ये तो डिवाइड ही हो रहा है, डिवाइड कर दिया, परसेंटेज पे क्लिक किया तो मेरी अचीवमेंट परसेंटेज आ गई, ठीक है जी। कितना भी बड़ा डेटा हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट के जरिए आप ये बड़े आसानी से कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। अब क्या होता है कि टारगेट जो होता है वो एक तो होता नहीं सबके लिए, अलग अलग होता है, ठीक है जी। क्योंकि कंपनी में सब अलग अलग सैलरी लेते हैं तो अलग अलग टारगेट भी होता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में भी मुझे सेम चीज करनी है। सेल्स लेके पेस्ट किया मैंने, टारगेट को इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, अचीवमेंट पर्सन अचीवमेंट पे गया और वहां पे जाके सेम चीज करनी है, डिवाइड एंड परसेंटेज का साइन, ठीक है जी। अब इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब आप एक फिगर कॉपी करके और इस पर डिवाइड करते हैं तो यही एक फिगर सबसे डिवाइड हो जाता है, पर जब आप जितना टारगेट वैल्यू है उतना ही अलग डेटा सोर्स डेटा लेती हैं, क्या होता है कि हर एक वैल्यू अपने सामने सामने वाली वैल्यू से कैलकुलेट होती है। तो इस केस में क्या हुआ, 47 डिवाइड हुआ 240 से, 62 डिवाइड हुआ 181 से, तो इस तरह से ये हर एक की पर्टिकुलर डिवीजन हुई है, ठीक है। इसी सिंक्रोनाइजेशन को और देखते हैं कि इसमें 3 दिन की सेल्स है मान लीजिए, ठीक है जी, 3 दिन के डिफरेंट डिफरेंट टारगेट दे दिए और 3 दिन के ही हमें अचीवमेंट परसेंटेज निकालना है, ठीक है जी। तो 3 दिन का अचीवमेंट परसेंटेज निकालना है, इस केस में क्या करूंगा मैं, सेम चीज यहाँ पे भी करनी है मुझे, सेल्स कॉपी करनी और टारगेट को इकट्ठा कॉपी करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और डिवाइड। अब इस केस में क्या हुआ कि ये खाली रो वाइज ही नहीं, कॉलम वाइज भी इसी सिंक्रोनाइजेशन को बरकरार रखा, मतलब जो 47 डिवाइड होगा 203 से, 21 डिवाइड होगा 213 से, ऐसे ही नीचे 152 डिवाइड होगा 62 से, 62 डिवाइड होगा 152 से, तो आपको जो डेटा है वो एक्चुअल मिलेगा इसमें, ठीक है जी, किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। अब यही काम करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता, टाइम लगता अच्छा खासा, यहाँ कॉपी पेस्ट के जरिए हम कर सकते हैं। इसको अलग तरीके से देखते हैं कि हमारी कंपनीज में क्या होता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो भी ये चीज जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने इनकी एग्जाम्पल, मैंने एक इनके नाम ले लिए, एक इनकी ईयरली सेल ले ली। अब इस ईयरली सेल को मुझे क्या करना है, वैल्यू इन करोड़ में दिखाना है, ठीक है जी। यहाँ सम का एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ टोटल है मेरे पास, तो वैल्यू इन करोड़ में दिखाना है मुझे सबकी सेल, मतलब अगर 6,50,00,000 है तो 6.5 लाख करके दिखाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 1 करोड़ लिख लिया अलग से, इसको कॉपी किया और यहां से डेटा सिलेक्ट कर लिया, पेस्ट स्पेशल में गया और डिवाइड पे क्लिक कर दिया, ओके। तो अब देखेंगे कि 1 करोड़ से डिवाइड करने पे भी सेम चीज हुई जो मैं चाह रहा था,
ठीक है जी, ये भी छुट्टियों का काम है। अब मेरे पास अब डिफरेंट क्वेरी है कि ये जो सम है, मतलब कोई भी वैल्यू जो फॉर्मूला से आ रही है, अब उसको करोड़ में बदलना है, वैल्यू इन करोड़ इनकी करनी है, पॉइंट में लाना। और मैं ये चाहता हूं कि फॉर्मूला हटे भी ना, तो इस केस में क्या होता है, अगर मुझे फॉर्मूला अमेंड करना हो ये उस तरह से दिखाने के लिए, तो डिवाइड बाय वन करोड़ मुझे हर एक फॉर्मूला के आगे लिखना होगा। पर इस केस में आप डायरेक्टली कॉपी करके सेम चीज करेंगे डिवाइड, अगर आपका फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला डिवाइड अमेंड हो जाएगा उसी तरह से, ठीक है जी। तो फॉर्मूला अमेंडमेंट हो जाता है इसमें, तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे कॉपी पेस्ट से। अब आगे कुछ अलग तरह का डेटा देखते हैं। जब भी आपको वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल डेटा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट स्पेशल में कॉपी करके ट्रांसपोज यूज करते हैं। तो वर्टिकल टू हॉरिजेंटल डेटा देता है, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल देता है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग लिंकिंग के ऑप्शन यूज करते हैं, वैल्यूज को लिंक करते हैं, ठीक है जी। अब लिंक कैसे करते हैं, इक्वल टू लगा के और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है जी। अब मुझे पता है फॉर्मेट कैसे कॉपी करने हैं, तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे फॉर्मेट्स भी कॉपी कर दीजिए, कॉलम विड्थ भी कर दीजिए, कॉलम में सिलेक्ट कर लिया, बहुत जल्दी हमारा काम हो गया, वैल्यू भी लिंक हो गई। अब लिंकिंग का फायदा यह होता है कि यहाँ पे भी कोई चेंजेस करता हूं तो ये आपको डायरेक्ट चेंजेस यहाँ पे भी दिखाता है। पर जब छोटा डेटा आपको कॉपी करना होता है, मतलब लिंक करना होता है, तो आप ये इक्वल टू वाला कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कितने कॉलम ड्रैग करना है और कितने रो में ड्रैग करना है। अगर आप इसको उससे ज्यादा ड्रैग करती हैं, तो क्या है, ये रेफरेंस दे रहा है किसका, A10 का, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो 0-0 में सारी वैल्यू दिखाता है, ठीक है। तो लिंकिंग के लिए एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए कि कितनी रो है, कितने कॉलम है, अगर ज्यादा बड़ा डेटा लिंक कर, पर मोस्टली ये नहीं होता, हमें इसमें ज्यादा बड़ा डेटा हो तो इसमें बहुत काम करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, आप इसको कॉपी कीजिए जितना डेटा आपको लिंक करना है, अगले में जाके यहाँ पे पेस्ट लिंक है, पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट लिंक का ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करेंगी तो ये जो वैल्यू है वो लिंक्ड हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मूला आ गया है। अब इसमें मैं फॉर्मेट्स भी कॉपी कर देता हूँ, कॉलम विड्थ भी कर देता हूँ, कॉलम विड्थ ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ कॉलम विड्थ को पेस्ट कर देते हैं, कॉलम विड्थ भी हो गई मेरी और लिंकिंग भी एग्जैक्ट हो गई। तो इस मेथड को इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर आजकल क्या होता है कि हम लिंकिंग वगैरह तो करते ही हैं, साथ में आजकल डैशबोर्ड्स के कॉन्सेप्ट बहुत चलते हैं, उसमें क्या होता है कि पेज पे आपको पूरी कंपनी का डेटा दिखाना होता है एक शीट पे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। अब डैशबोर्ड में क्या होता है, कई बार जगह कम होती है हमारे पास, ज्यादा जगह बची नहीं, मान लीजिए इतनी ही जगह है, ठीक है, तो आपको इतने में ही ये डाटा दिखाना है। तो एक्सेल में जानते हैं जब कॉलम विड्थ या रो हाइट हम सेट करते हैं तो वो बाकी चीजों को भी इफेक्ट करता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप इसको कॉपी कर ले और यहाँ पे अब होम टैब के अंदर ये जो पेस्ट का बटन है इस पे क्लिक, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एज पिक्चर है सबसे डाउन में, एज पिक्चर में आपके पास जो ऑप्शन है सेकंड वाला कॉपी एज पिक्चर, पहला ऑप्शन है कॉपी एज पिक्चर, मतलब सिलेक्ट करके कॉपी एज पिक्चर करेंगे तो डेटा पिक्चर की तरह कॉपी होगा, मतलब उसको पेस्ट कहीं भी कर सकते हैं फिर कंट्रोल वी के जरिए। दूसरा ऑप्शन है जब आपने डेटा कॉपी कर रखा है
तो पेस्ट एज पिक्चर है, तो मतलब जो आपने कॉपी किया है उसको पिक्चर बना देगा ये डेटा, ठीक है जी, पेस्ट में। तो पिक्चर का तो आपको पता है कि रो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम, मतलब इसकी जो साइज है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर ग्रिड लाइन गायब कर इसमें से डिसेबल कर दें तो ये नहीं पता पड़ता कि ये पिक्चर है कि क्या है। बट जब मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड की मेन पावर होती है कि वो लिंक्ड होता है, और पिक्चर तो लिंक्ड है नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ तो हम कैसे ढूंढेंगे, मतलब यहाँ तो कोई चेंजेस आया नहीं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप इसको कॉपी करें, उसी ऑप्शन पे जाएं एज पिक्चर में, और तीसरा ऑप्शन यूज करें पेस्ट पिक्चर लिंक, ठीक है जी। अब ये फोटो होने के कारण, पिक्चर होने के कारण ये इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है साइज में, और लिंक्ड पिक्चर होने के कारण आप जो भी चेंज करेंगे इसमें चेंज भी रिफ्लेक्ट करेगा। इवन अगर आप कलर भी चेंज करती हैं इसका, तो इसका कलर भी चेंजेस आपको दिखाएगा, ठीक है जी। तो अभी आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, कल हम अपने सेशन में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसमें।